कोरोना से जंग में आई अच्छी खबर, बीते 24 घंटे में सिर्फ 6% बढ़े मरीज, सरकारी सूत्रों से खबर, अब तक ये सबसे धीमी रफ्तार। देश में कोरोना का जारी प्रहार, वायरस से अब तक 24,500 से ज्यादा बीमार, 12 घंटे में 52 मौत से इंतजामों पर सवाल। यूपी में योगी सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए पर लगाई रोक, 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक यूपी में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए। यूपी में सीएम योगी का फैसला, लखनऊ में नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में कोई छूट, यूपी में 30 जून तक भीड़भाड़ जुटाने की नहीं होगी इजाजत। प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना टेस्टिंग पर उठाए सवाल, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को कोरोना से लड़ाई के लिए बताया पूंजी, प्रियंका गांधी का आरोप, पिछले 2 दिनों से योगी सरकार नहीं बता रही जांच का आंकड़ा। एनआईए के मुंबई ऑफिस में एक एएसआई और उसकी बेटी कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के एनआईए ब्रांच को किया गया सील। लॉकडाउन 2 में छूट की दूसरी किश्त, आज से शर्तों के साथ खुली तमाम दुकानें, सिर्फ कॉलोनियों ग्रामीण इलाके के दुकानों को खोलने की इजाजत, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को कोई राहत नहीं, दुकानों में रखना होगा सिर्फ आधा स्टाफ। थिएटर बार जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी जारी, ऑडिटोरियम और कम्युनिटी सेंटर पर रहेगा ताला, कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पर जारी रहेंगी पाबंदियां, यहां दुकानों को नहीं मिलेगी छूट। दिल्ली के अलीपुर थाने में हेड कांस्टेबल को हुआ कोरोना, थाने के 11 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। लखनऊ के बीच लॉकडाउन के बीच छपरा में बैंड बाजा बारात के बिना हुई है शादी, छपरा की ये तस्वीरें हैं, मंदिर में हुई शादी में सिर्फ चंद परिजन ही शामिल हैं।